बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिज़िक्स की क्लास में खुश आमदीद। फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स पर थे हम, और अब तक हमने 7 न्यूमेरिकल्स कर लिए। चैप्टर मुश्किल है, बड़ा है, काफ़ी फार्मूले हैं, इसलिए इसके न्यूमेरिकल्स भी हमें काफ़ी अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। हमने 7 न्यूमेरिकल्स किए हैं अब तक के। जो आपने न्यूमेरिकल्स किए हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन और पेंडुलम के गिर्द ही घूम रहे हैं। ठीक है, अभी हमने वेव के, साउंड के न्यूमेरिकल्स नहीं किए, अभी हमने सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन के और पेंडुलम के न्यूमेरिकल्स ही कर रहे हैं, और आज भी हमें वही करने होंगे। अभी उसमें और कैटेगरी है, क्योंकि आपको याद होगा 3 किस्म के मोशंस काफ़ी फॉर्मूले थे सिंपल हार्मोनिक, काफ़ी बड़ा पोर्शन था ये। तो अभी भी हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशंस के ही न्यूमेरिकल चल रहे हैं। अब हमारे पास जो अगला न्यूमेरिकल है जी, आपके सामने मौजूद है, ये लिखा हुआ, अ मास एट द एंड ऑफ अ स्प्रिंग, वही स्प्रिंग मास, स्प्रिंग मास से जुड़ा हुआ है, वही आपका इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, वही वाला मामला हो गया, ये स्प्रिंग है और उसके एंड में एक मास लगा हुआ है। ठीक है, और आप जानते हो ये ऑसिलेट होता है, तो ये इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स वो वाला मोशन हो रहा है। तो द मास, ये वाला पॉइंटर देते हैं, डेटा बनाएंगे हम साथ साथ। ठीक है जी, क्या क्या रहे हैं, अ मास एट द एंड ऑफ अ स्प्रिंग, एक मास एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक स्प्रिंग के एंड में लगा हुआ है, ऑसिलेट वाइब्रेट करता है वो विद सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ वो वाइब्रेट कर रहा है विद द पीरियड ऑफ 0.4 सेकंड। ये पीरियड मतलब टाइम पीरियड होता है, बाज़ों का शॉर्ट फॉर्म में उसको पीरियड कह दिया जाता है। तो टाइम पीरियड दिया हुआ है आपको सिस्टम का कितना, 0.4 सेकंड। ठीक है जी, तो एक आपके पास ये आपके पास ये डायग्राम मैंने बना दी, मास है ये आपके पास स्प्रिंग से जुड़ा हुआ और ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। इसका जो टाइम पीरियड आ रहा है, यानी कि एक एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लगता है, तो वो ये दिया हुआ है इन्होंने 0.4 सेकंड, यानी एक वाइब्रेशन में 0.4 सेकंड लग रहा है। फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपको पता करना है व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 4 सेंटीमीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि इस वाले ऑब्जेक्ट में, इस वाली ऑसिलेशन में हम डिस्प्लेसमेंट को एक्स से डिनोट करते हैं, तो एक्स कितना है, 4 सेंटीमीटर। जी आपके पास सिंपल सा डेटा है, आपके पास एक मास है स्प्रिंग से जुड़ा हुआ, उसका एक्सेलरेशन पता करना है, टाइम पीरियड और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। सबसे पहले आप देख लिया होगा आपने कि डिस्प्लेसमेंट एक गलत यूनिट में, 4 सेंटीमीटर, इसे मीटर में लाना होगा। तो 4 को हम डिवाइड कर देंगे 100 से और आंसर आएगा जी x इज इक्वल टू 0.04 मीटर। ये हमने डिस्प्लेसमेंट को स्टैंडर्ड यूनिट में ले आए। अच्छा, अब हमें टाइम पीरियड निकालना है। आपको याद होगा कि ये जो मास स्प्रिंग सिस्टम होता है, इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला है हमारे पास 2π√m/k। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका। अब ना तो हमारे पास यहाँ m है, ना हमारे पास k है। आपको याद होगा एक न्यूमेरिकल ऐसा आया था, हमने कर चुके हैं एक ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें हमें टाइम पीरियड चाहिए था और हमारे पास ये दोनों चीज़ें नहीं थी, तो हमने वो मास, मैं आपको दिखा देता हूँ न्यूमेरिकल, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ है, ये रहा देखें, हमें टाइम पीरियड चाहिए था और ना हमारे पास एम था, ना हमारे पास के था, तो हमने वो हुक लॉ और सेकंड लॉ, फोर्स का जो हुक लॉ होता है और सेकंड लॉ होता है, उनको मिला के हमने जो है वो एक्स और ए का कुछ इक्वेशन बनाया था। वही काम हमें यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि ना हमारे पास यहाँ एम है, ना हमारे पास यहाँ के है, और टाइम पीरियड भले है हमारे पास, ठीक है चले बहरहाल। तो इसको अब छोटी सी वही इक्वेशन दोबारा बना लेंगे हम यहाँ पर। हम जानते हैं जी कि इलास्टिक ये जो क्या नाम है, मास स्प्रिंग सिस्टम होता है, इसमें जो फोर्स होती है उसको आप हुक लॉ की मदद से निकाल सकते हो, और वो फॉर्मूला क्या होता है, के एक्स। ये क्या है, ये हुक्स लॉ है। हुक लॉ एक्चुअल में आपका ये जो मास स्प्रिंग सिस्टम होता है, यानी कि अगर आपके पास स्प्रिंग है और मास लगा हुआ है, इस पर इलास्टिक रिस्टोरिंग कैलकुलेट, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला जो है, ये हुक लॉ कहलाता है। जबकि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक फोर्स जो है वो एम ए के बराबर होती है, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है, सेकेंड लॉ। अब दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करते हैं, तो लेफ्ट लेफ्ट इनका सेम है, इसका मतलब है राइट राइट भी सेम हो जाएगा। तो एम ए जो है वो बराबर हो गया के एक्स के हवाले से, के एक्स के बराबर हो गया। अब आप यहाँ पर के को जो है इस तरफ ले आए और ए को उस तरफ ले जाए, के मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ए भी मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम अपॉन के इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए। निकाल लिया आपने एम अपॉन के, अब इस एम अपॉन के को टाइम पीरियड के फॉर्मूले में पुट करते हैं। ठीक है, ये आपने जो
एम अपॉन के की वैल्यू निकालिए। आप टाइम पीरियड के फॉर्मूले में इसको डाल दें। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। अब इस एम अपॉन के को रिप्लेस कर दें आप उसी से, इससे एम अपॉन के किसके बराबर है, एक्स अपॉन ए के, लिहाजा ये यहाँ डाल देंगे। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा जी, 2 पाई, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के की जगह आ जाएगा एक्स अपॉन ए। ये आपने इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, आपके पास टाइम पीरियड की इक्वेशन में एम और के होता है जो आपके पास नहीं था, लिहाजा आपने एम अपॉन के का एक छोटा सा इक्वेशन बनाया एक्स अपॉन ए और रिप्लेस कर दिया। अब आपके पास यहाँ टाइम पीरियड भी मौजूद है 0.4, एक्स आपके पास मौजूद है, बल्कि 0.4 तो नहीं है टाइम पीरियड, हाँ 0.4, और एक्स कितना है 0.04। तो ठीक है, वैल्यूज डाल देते हैं। टाइम पीरियड हमारे पास है 0.4, 2 होता है, पाई की वैल्यू होती है 3.164 अंडर रूट, एक्स हमारे पास कितना था 0.04, ये लिखा हुआ देखें एक्स, ये एक्स डाल देते हैं 0.04 डिवाइडेड बाय ए हमें मालूम करना है। ठीक है, अब बस आपने इस पर मैथमेटिक्स अप्लाई करनी है, इसको सिंपल करना है। 0.4 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 3.142 होता है, मैंने क्या लिखा हुआ 3.142, हाँ जी 6.284 अंडर रूट 0.04 डिवाइडेड बाय ए। अब ये 6.284 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप इस तरफ लेकर आओगे डिवाइड हो जाएगा, तो 0.4 डिवाइडेड बाय 6.284। इस तरफ आपके पास क्या बचता है जी, अंडर रूट 0.04 डिवाइडेड बाय ए। ठीक है जी, अब आप इन दोनों वैल्यूज को, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करें, डिवाइड करें, आई हैव टू यूज़ द कैलकुलेटर, कैलकुलेटर निकाला मैंने जी। 0.4 को हम डिवाइड करेंगे 6.284 से, इसका आंसर आएगा 0.063। 0.063 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है जी, अंडर रूट 0.04 डिवाइडेड बाय ए। अब आपको ये रूट ख़त्म करना है, आप जानते हो जी रूट ख़त्म करने का तरीका क्या होता है, आप स्क्वायर ले लेते हो दोनों साइड पर, स्क्वायर से रूट कट जाता है। ठीक है जी, और इस तरफ की वैल्यू का स्क्वायर निकाल लेंगे हम, तो जी 0.063 मल्टीप्लाई बाय 0.063 ये हो जाता है 0.0039। 0.0039 इज इक्वल टू 0.04 डिवाइडेड बाय ए। अब ए डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा ए इज इक्वल टू 0.04 डिवाइडेड बाय 0.0039। अब इन दोनों को डिवाइड करें, ए आ जाएगा 0.04 डिवाइडेड बाय 0.0039, इसका आंसर आएगा जी 10.25। एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 10.25 यूनिट होता है इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट लाजमी लिखा करें, ठीक है जी, एक स्टूडेंट है उसको पता होगा मैंने किसको कहा है, यूनिट लाजमी मेंशन किया करें। ठीक है, ये आपके पास एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था, ठीक है, ये भी आया है अक्सर, खास करके सप्लीज के पेपर में बहुत आया है ये न्यूमेरिकल, तो देख लेगा इजी न्यूमेरिकल, तो इतना मुश्किल नहीं था। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है जी, अब मैं 9 क्वेश्चन नंबर उठा लूँ पहले। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत आया जी, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आपको पहले कहा हुआ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ही ले रहे हैं हम, और जितने भी पॉसिबल इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे मैं उनको सॉल्व करा रहा हूँ, तो इसका भी हम डेटा बनाते जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें क्या कह रहे हैं, अ सिंपल पेंड्यूलम, एक सिंपल पेंड्यूलम है, ये पेंड्यूलम वाला न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है, वही पेंडुलम, वो एक धागा और बॉल लगी हुई होती है, वो वाला पेंडुलम। अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 4 वाइब्रेशन इन 8 सेकंड। एक सिंपल पेंडुलम 4 वाइब्रेशन कर रहा है 8 सेकंड के अंदर। अब ये 8 सेकंड जो है ये टाइम पीरियड नहीं है, टाइम पीरियड नहीं है, क्योंकि टाइम पीरियड किसे कहते हो आप,
नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, सॉरी एक वाइब्रेशन में कितना सेकेंड, कितना टाइम लग रहा होता है, इसको आप टाइम पीरियड कहते हो। यानी अगर आपने देखा कि एक वाइब्रेशन में 3 सेकेंड लग रहे हैं, आपको ये टाइम पीरियड है। एक वाइब्रेशन में अगर आपने देखा 10 सेकेंड लग रहे हैं, तो 10 टाइम पीरियड है ये। अगर आपने देखा एक वाइब्रेशन में 5 सेकेंड लगे, तो आपको हो गए 5 सेकेंड। ये एक वाइब्रेशन का टाइम थोड़ी है, ये तो 4 वाइब्रेशन का टाइम है। तो इट इज़ नॉट टाइम पीरियड, ये नॉर्मल टाइम है, ठीक है। यहाँ अक्सर यही गलती कर जाता है बच्चा, इस 8 सेकेंड को समझ लेता है कि ये सेकेंड लगा हुआ है ना, तो ये टाइम पीरियड है। नहीं जी, अगर टाइम पीरियड कब होता है, जब हमारे पास नंबर ऑफ वाइब्रेशन 1 होती। टाइम पीरियड याद रखिएगा, डेफिनेशन आपके जहन में होनी चाहिए। टाइम पीरियड क्या होता है, नंबर टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम चाहिए होता है। और ये 8 सेकंड जो दिया हुआ है, ये 4 वाइब्रेशन का टाइम है, एक वाइब्रेशन का नहीं है। इसमें से हम टाइम पीरियड निकालेंगे, ये खुद टाइम पीरियड नहीं है, ठीक है। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। तो हमसे कह रहे हैं एक पेंडुलम है जो वाइब्रेशन कर रहा है 4, ये हम हो गए हमारे पास नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी है हमारे पास 4, और कितना टाइम लग रहा है इस वाइब्रेशन को करने में, 8 सेकेंड। तो ये टाइम है हमारे पास, नॉर्मल टाइम 8 सेकेंड उसको लग रहा है। इसमें से हम निकाल लेंगे, आपको याद होगा टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन, उस फॉर्मूले से हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे, ठीक है। फाइंड आउट, आगे क्या लिखा हुआ है, ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, ये अर्थ पर कर रहा है ये काम। अर्थ पर अगर आपने उस पेंडुलम को रखा हुआ है, तो वो 8 सेकेंड में 4 वाइब्रेशन करता है। फाइंड आउट इट्स टाइम पीरियड ऑन द सर्फेस ऑफ मून, उसी पेंडुलम को उठा के अगर आप मून पर ले जाते हो, तो उसका वहां पर टाइम पीरियड आपको बताना होगा, क्योंकि मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाती है। आपको याद होगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2π√L/g। टाइम पीरियड दो चीजों पे डिपेंड करता है, एल और जी। 2π तो फिक्स है, लेंथ ऑफ पेंडुलम। अब आप एक ही पेंडुलम अर्थ पर है, उसी को उठा के आप मून पर लेकर जा रहे हो, तो लेंथ तो सेम हो गई, लेंथ भी फिक्स हो गया, चेंज क्या और होता है, खाली जी। अर्थ पर जी की वैल्यू अलग है, मून पर अलग है, तो इस जी की वजह से अब अर्थ का जो, अर्थ पर जो टाइम पीरियड आ रहा था पेंडुलम का, मून पे वो नहीं आएगा, मून पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये जरा बात ध्यान में रखनी है। तो दोबारा न्यूमेरिकल पढ़ रहा हूँ मैं, एक सिंपल पेंडुलम एक 4 वाइब्रेशन कर रहा है, वो 8 सेकेंड में, कहाँ पर, अर्थ पर। आपको टाइम पीरियड निकालना है उसका मून पर। अगर आप उस पेंडुलम को चांद पर ले जाते हो, तो उसका वहां पर क्या टाइम पीरियड आएगा, वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/6 दैट ऑन अर्थ। मून पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो अर्थ का 1/6 है, 1/6 को कहते हो आप, तो 1/6 है जी अर्थ का, ये आपके पास है। ये वो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की तरह का हो रहा है कुछ, ठीक है। तो हम मजीद बात लिख देते हैं, हमारे पास जो है मून का टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट करना है, उसको हम टी बार कह देंगे। मून का टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट करना है, जबकि मून पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसको हम कहेंगे जी बार। मून के डेटा को हमने बार लगा दिया, वो कितना है जी, 1/6 अर्थ की ग्रेविटी के, ठीक है। ये बात ये लिखी हुई, 1/6 दैट ऑन अर्थ, यानी मून की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो कितनी है, 1/6 ऑफ अर्थ, यानी अर्थ की ये होती है 1/6 का मतलब हो गया 1/6, ये मून की ग्रेविटी बन गई, ठीक है। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई सवाल है, माइक खुले में पूछ लीजिएगा। तो आपके पास एक पेंडुलम है, 4 वाइब्रेशन कर रहा है 8 सेकंड में, ये अर्थ पर है। आपको बताना है मून पर उसका टाइम पीरियड क्या होगा। मून पर जो उसकी ग्रेविटी है, अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 है, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमें यहाँ पहले अर्थ का टाइम पीरियड निकालना होगा, हमें पहले अर्थ पर उस पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या आ रहा है, हमें वो कैलकुलेट करना होगा। अब यहाँ पर चूंकि वाइब्रेशन और टोटल टाइम दिया हुआ है, तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। ये आपको फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, मैं दिखा भी देता हूँ आपको, मैंने कहीं लिखवाया, ये रहा ये वाला, ठीक है, टी अपॉन एन, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, याद रख लीजिएगा। तो टोटल टाइम हमारे पास कितना है, 8 सेकेंड, वाइब्रेशन कितनी हो रही है 4, इसको डिवाइड करोगे आपके पास टाइम पीरियड आ रहा है 2 सेकेंड, यानी एक वाइब्रेशन में 2 सेकेंड का टाइम लग रहा है। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन। तो 2 सेकेंड यानी कि इसको एक वाइब्रेशन करने में 2 सेकेंड लग रहा है, चेक कर लें। एक वाइब्रेशन में 2 सेकेंड लगते हैं, तो 2 में 4 सेकेंड लग रहे हैं, 3 वाइब्रेशन में 6 सेकेंड लगेंगे, 4 वाइब्रेशन में 8 सेकेंड लग रहे हैं, ठीक। तो टाइम पीरियड हमने अर्थ पर निकाल लिया, इसलिए हमने इसको टी का है, टी बार नहीं,
टी बार तो मून का होगा, ठीक। कमनेट अर्थ का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया। अच्छा अब मून पर टाइम पीरियड क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, टी बार इज इक्वल टू 2 पाई, ये तो कांस्टेंट है, ये तो चाहे अर्थ हो चाहे मून हो ये तो 2 पाई ही रहेगा। अंडर रूट, पेंडुलम आपने चेंज नहीं किया, उसी पेंडुलम को लेके जा रहे हो, लिहाजा उसका लेंथ भी सेम रहेगा, सिर्फ क्या चेंज हो जाएगी जी, तो जी बार कर देंगे, ठीक है। अर्थ पर टाइम पीरियड कितना है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये अर्थ पर है, ये अर्थ पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। और मून पर लेके जा रहे हो उसी पेंडुलम को, तो सिर्फ जी चेंज हो रही है, तो जी बार हो गया और अब वहाँ का टाइम पीरियड हो जाएगा टी बार, ठीक है जी। अब हम वैल्यूज डालते हैं, टी बार हमें कैलकुलेट करना है, टी बार इज इक्वल टू, अभी हम ये जी वो जो ग्रेविटेशन वाले न्यूमेरिकल्स किए थे ना, वैल्यूज नहीं डालेंगे, वो वाले तरीके से हम करेंगे। अभी हम 2 और 5 इनकी वैल्यू वगैरह नहीं डालते, 2 पाई अंडर रूट, ठीक है जी, एल अपॉन, अब जी बार की वैल्यू डालेंगे हम खाली, जी बार की वैल्यू क्या है जी, 1/6 जी, इसको आप यूँ भी लिख सकते हो जी, जी अपॉन 6, ठीक है ना, जी को 1 से मल्टीप्लाई किया जी आ जाता है, तो जी अपॉन 6, तो जी बार की जगह हम उसकी वैल्यू डाल देंगे, क्या है जी, जी अपॉन 6, ठीक है जी। अभी मैंने 2 पाई और एल की वैल्यू नहीं डाली, आप चाहो तो डाल दो, लेकिन लेंथ नहीं है, फिर लेंथ निकालना पड़ेगा, लंबा चला जाएगा, थोड़ा सिंपल करते हैं इसको। तो हमने सिर्फ जी बार की वैल्यू डाल दी, जी अपॉन 6। अब मजीद सॉल्व करते हैं, 2 पाई ऐसे ही रहने देंगे, अंडर रूट, आपको पता है जी अगर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है तो वो न्यूमिनेटर में चला जाता है, तो ये आ गया 6 और एल अपॉन जी, ठीक है, डिनोमिनेटर का ये डिनोमिनेटर है जी और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है 6, तो ये ऊपर चला जाता है न्यूमिनेटर में, यहाँ आ गया, ठीक है, ये टी बार हो गया। अब इस अंडर रूट 6 को आप अलहदा से लिख दो, अंडर रूट 6 को आपने अलहदा से लिख दिया, बाकी क्या बचा आपके पास, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने क्या करा अंडर रूट 6 को, ये अंडर रूट 6 जो है ना, 6 है अंडर रूट के अंदर, इसको अलहदा से निकाल के रख दिया आपने, क्या बचा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, और 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी किसके बराबर है, ये देखें 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर होता है, ये 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी की जगह हम अर्थ का टाइम पीरियड यानी टी डाल देंगे, अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई बाय अर्थ का टाइम पीरियड, ये हो रहा है टी बार, ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। आपने क्या करा देखें दोबारा, ये आपके पास मून पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला था, जी बार की जगह आपने डाला जी अपॉन 6 जो उसकी वैल्यू थी, 6 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर था, आप ऊपर लेगा यहाँ गया, अभी 6 अंडर रूट को आपने अलहदा से लिख दिया, क्या बचा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, और ये 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी जो है अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर होता है। अब आप वैल्यूज डालो जी, अंडर रूट 6 कितना होता है चेक कर लेते हैं, 6 का अंडर रूट होगा जी 2.44 मल्टीप्लाई बाय अर्थ का टाइम पीरियड कितना निकाला है हमने, 2 सेकंड, ये रहा 2 सेकंड हमने कैलकुलेट किया था, तो 2 डाल देंगे हम। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4.88 सेकंड, ये आ गया आपका मून का टाइम पीरियड, ठीक है। तो अगर आप वो लेंथ की उस चक्कर में के वैल्यू डालूँ मैं, 2 पाई की वैल्यू डाल दूँ लेंथ, फिर हमें करना क्या पड़ता, हमें यहाँ से लेंथ निकालना पड़ता, टी हमें पता है 2 सेकंड, 2 पाई की हमें वैल्यू पता है, जी की वैल्यू हमें पता है 9.8, हम यहाँ से पहले लेंथ निकालते और उसके बाद यहाँ लेंथ डालते, फिर जी बार की वैल्यू की जगह हम जी अपॉन 6 यानी 9.8/6, लंबा हो जाता। हमने सिंपल करा जी, हमने क्या करा, जी बार की वैल्यू जी अपॉन 6 डाला, 6 ऊपर लेकर गए, इसको फिर बाहर निकाल दिया और ये 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी को टाइम पीरियड से रिप्लेस कर दिया, सिंपल तरीके से किया, ठीक है। ये हो गया आपके पास 9वां न्यूमेरिकल। इसमें कोई सवाल है तो पूछिएगा, अब 10वां करेंगे, कोई सवाल है तो पूछे, मैं इतने में 10वां न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, उठा रहा हूँ। ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, इसका भी डेटा बनाते जाएंगे। अगेन ये भी पेंडुलम का है, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा जी, अब पढ़ते हैं, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून।
मून की सरफेस पर सेकंड पेंडुलम की लेंथ मालूम करनी है। सेकंड पेंडुलम क्या होता है जी? एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, ठीक है। टाइम पीरियड कितना होता है? 2 सेकंड। तो आपको एक मून पर एक सेकंड पेंडुलम है, आपको उसकी क्या मालूम करनी है? लेंथ मालूम करनी है। वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, जहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, एक मिनट चेक करूँ, यही वाला है अगला या इससे पहले वाला उठा लिया मैंने? एक मिनट रुकिएगा ज़रा। इससे पहले हमने कौन सा किया है? ये वाला। सही है, सही उठाया, हाँ यही वाला, ठीक है जी। अच्छा, इस न्यूमेरिकल की बात करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10 है ना ये तरतीब में, हाँ 10, ठीक है। इसकी बात करते हैं, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम। आपके पास सेकंड पेंडुलम है ऑन द सरफेस ऑफ मून, मून पर। आप जानते होंगे सेकंड पेंडुलम क्या होता है, पता है तब मैंने आपको। सेकंड पेंडुलम कहते हैं एक ऐसे पेंडुलम को जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, ठीक है। तो एक आपके पास टाइम पीरियड बता दिया सेकंड पेंडुलम के, ठीक है जी। तो आपके पास एक सेकंड पेंडुलम है ऑन द सरफेस ऑफ मून, मून पर। कैलकुलेट लेंथ, आपको उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। कैलकुलेट लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, ये यहाँ तक की बात हो गई। कैलकुलेट लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, या गया टाइम पीरियड 2 सेकंड, लेंथ मालूम करनी है ऑन द सरफेस ऑफ मून, मून की सरफेस पर। वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, जहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है मून पर, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी कहेंगे हम उसको, जी बार, वो कितनी दी हुई है? 0.16 टाइम दैट ऑन दिस अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर जितनी भी जी होती है उसका 0.16 टाइम। तो इसका हम ऐसे लिखते हैं 0.167 और ये जी, ठीक है, ऐसे हम लिखते हैं। तो क्या होगा, नेट प्रॉब्लम, मनहूस हो गया। तो हमारे पास क्या है जी न्यूमेरिकल, कि आपके पास एक सेकंड पेंडुलम है मून पर, ठीक है। मून पर आपके पास एक सेकंड पेंडुलम है, टाइम पीरियड 2 सेकंड हो गया, लेंथ उसका आपको कैलकुलेट करना है, और मून की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितनी दी हुई है? 0.16 टाइम दैट ऑन दी अर्थ सरफेस, यानी अर्थ की सरफेस पर जितनी भी होती है उसका 0.16 टाइम। तो अर्थ सरफेस पर होती है जी जी, इसका 0.16 टाइम, इसको हम बना लेते हैं। 0.167 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू अर्थ पे कितनी होती है? 9.8 मल्टीप्लाई कर दो, जी की वैल्यू आपको मिल जाएगी मून पर कितनी है, 0.167 मल्टीप्लाई बाय 9.8, 1.63, ये जी मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये हो गया मून पर उस पेंडुलम का टाइम पीरियड, ये हो गया मून की ग्रेविटी। आपको बताना है उसका लेंथ क्या है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है जी? आपको जानते हो आप फॉर्मूला टाइम पीरियड का, अब तो जानते होंगे आप। टी इज इक्वल्स टू 2π अंडर रूट एल अपॉन जी। अब चूंकि मून की बात कर रहे हो तो मून पर टाइम पीरियड हो जाएगा टी बार और जी हो जाएगी जी बार, ठीक है जी। वैल्यूज डालते हैं, टाइम पीरियड मून पर हमें कितना बोला हुआ है क्योंकि वो सेकंड पेंडुलम है, तो अब मून पर उसका टाइम पीरियड 2 आ रहा है। इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू कितनी है? 3.142 अंडर रूट एल अपॉन जी कितना है? 1.63, ठीक है जी। अब इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई करें, 6.284 अंडर रूट L डिवाइडेड बाय 1.63। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वैल्यू इधर आएगी, डिवाइड हो जाएगी, तो 2 डिवाइडेड बाय 6.284 इज इक्वल्स टू अंडर रूट L डिवाइडेड बाय 1.63। ये L मालूम करना है हमें, हाँ। अब इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड करते हैं, 2 को डिवाइड कर दें आप, डिवाइड करें 6.284 से, आपका आंसर आएगा 0.318,
0.318 इज इक्वल टू अंडर रूट एल डिवाइडेड बाय 1.63। अब आप स्क्वायर लोगे, ये कैंसिल हो गया और 0.318 का स्क्वायर निकाल लें आप, 0.318 मल्टीप्लाई बाय 0.318 ये होता है 0.101। 0.101 इज इक्वल टू, यहाँ रूट कट चुका है, एल डिवाइडेड बाय 1.63। अब ये 1.63 डिवाइड हो रहा है, 0.101 के पास लेकर जाएं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करें आपको लेंथ मिल जाएगी पेंडुलम की। मल्टीप्लाई किया इसको हमने 1.63 से, लेंथ आ रही है जी 0.164 मीटर। ये लेंथ होगी जी सेकंड पेंडुलम की मून पर। ठीक है जी, तो ये भी इजी न्यूमेरिकल था, ये भी हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, आगे बढ़ते हैं जी जल्दी जल्दी, 8 मिनट है, इंशाल्लाह एक और न्यूमेरिकल कर लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 होगा अब हमारे पास, मैं न्यूमेरिकल ले लूँ, हमने ये वाला किया है। अब हमारे पास है जी ये वाला न्यूमेरिकल। अच्छा, अब हमारे पास ये जो न्यूमेरिकल आ रहा है ना, ये वेव वगैरह से लिंक है। ठीक है, ये वेव वगैरह से लिंक है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का नहीं रहा, अब वो ख़त्म हो गया समझ लो आप, और आगे आया तो आएगा अगर कोई, वैसे तो मुझे याद नहीं है कोई है। अब हमारे पास वेव वगैरह के आ रहे हैं, ठीक है, वेव के न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। अ स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग, एक स्ट्रिंग है आपके पास जो कि 2 मीटर लंबा है, एंड ऑफ मास 0.004 किलोग्राम, और उसका जो वजन है उस स्ट्रिंग का वजन, अच्छा ये स्ट्रिंग लिखा हुआ है, स्प्रिंग नहीं है, ठीक है, स्ट्रिंग ऐसे लंबी सी होती है, ऐसी लंबी सी होती है, ठीक है, ऐसी स्ट्रिंग, स्प्रिंग तो ये होता है, ठीक है, स्ट्रिंग ऐसा होता है जी, इसके स्ट्रेच हो सकता है, ये भी स्ट्रेच हो सकता है, उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो हमारे पास कह रहे हैं जी एक स्ट्रिंग है, अ स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर लंबा है, एंड ऑफ मास 0.004 किलोग्राम, और उस स्ट्रिंग का जो वजन है ना, उस अपना उस स्ट्रिंग का अपना एक्चुअल वजन वो है 0.004 किलोग्राम। इस स्ट्रेच आपने उसको चीरा हुआ है, यानी कि उसको टाइट किया हुआ है, हॉरिजॉन्टली आपने उसको टाइट किया हुआ है, यानी कि ऐसे ऐसे आपने उसको चीरा हुआ है, तो ये स्ट्रिंग हो गया, इसकी लेंथ आपके पास 2 मीटर है, इसका मास है 0.04। बाय पासिंग वन एंड ओवर अ पुली, यानी उसका एक सिरा जो है आप पुली के ऊपर से गुजार रहे हो, ऐसे ये पुली आ गई और आपने उसको एक सिरा जो है पुली के ऊपर से गुजारा हुआ, एंड अटैचिंग अ 1 किलोग्राम मास टू इट, और आपने उससे 1 किलोग्राम का मास जोड़ा हुआ है, तो 2 मास आ रहे हैं यहाँ पे, एक आपके पास अपना स्प्रिंग का मास जो कि आ गया, ये स्प्रिंग का मास है, और ये आपने उस पर लटकाया हुआ है। ठीक है, तो दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं, एक स्प्रिंग है 2 मीटर लंबा और उसका मास है 0.004 किलोग्राम, आपने उसको हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है और एक पुली के ऊपर से गुजारा हुआ है, इस स्ट्रेच हॉरिजॉन्टली एंड पासिंग वन एंड ओवर अ पुली एंड अटैचिंग अ 1 किलोग्राम मास टू इट, तो आपने उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेस किया हुआ है, एक पुली पे से गुजार के आपने उस पर 1 किलोग्राम का मास लगा दिया, जिससे ये क्या होगा, ये टाइट हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, ये लिखा हुआ है, स्ट्रेच हो गया ये। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, अब इसमें जो वेव पैदा हो रही होंगी ना, अगर आप इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करो, जो वेव पैदा होंगी, जो ट्रांसवर्स वेव पैदा होंगी, उसकी स्पीड बतानी है आपको, फाइंड द स्पीड बतानी है ऑन द स्ट्रिंग एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड एंड फोर्थ हारमोनिक, और सेकेंड और फोर्थ हारमोनिक की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी आपको बतानी होगी। ठीक है, तो ये एक लेंथी सा न्यूमेरिकल होगा ये, लेकिन है आसान। ठीक है, अब हम इसका डेटा बना लेते हैं सबसे पहले, तो जल्दी जल्दी से। हाँ जी, सबसे पहले स्प्रिंग की लेंथ हमें दी हुई है, उसको हम एल कह देते हैं, एल हमारे पास है, स्मॉल एल कह देते हैं, चलें एल हमारे पास है 2 मीटर, स्प्रिंग की जो लेंथ है वो हमारे पास 2 मीटर है, और स्ट्रिंग के जो मास है उसको हम स्मॉल एम से डिनोट कर देते हैं, स्प्रिंग के मास को हम स्मॉल एम से डिनोट कर रहे हैं, वो कितना है 0.004 किलोग्राम, आपने उसको एक पुली से गुजारा और ये जो मास लगाया हुआ है इसको आप कह लोगे कैपिटल एम, कैपिटल एम आपके पास कितना है 1 kg, 1 किलोग्राम का आपने उसमें मास लगाया हुआ है। ठीक है, डायग्राम में बना देता हूँ, यहाँ पे ये आपके पास पुली और ये आपके पास है,
ये है आपके पास जो मास है ना, ये है कैपिटल एम, जबकि इस स्प्रिंग की जो मास है उसको आपने स्मॉल एम से डिनोट किया हुआ और इसकी लेंथ को आपने एल से डिनोट किया हुआ। उसके बाद आगे कह रहे हैं फाइंड द स्पीड यानी वेलोसिटी आपको मालूम करनी है, और सेकंड और फोर्थ हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक कहते हो आप एफ टू को, फोर्थ हार्मोनिक कहते हो आप एफ फोर को, ये आपको मालूम करनी है। याद होगा ये स्टैंडिंग वेव के अंदर हमने फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक सेकेंड हार्मोनिक ये वो है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम वेलोसिटी की बात करें, अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी के हमारे पास दो फॉर्मूले, दो तीन फॉर्मूले। एक तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है जी लैम्डा एफ, यहाँ तो वेवलेंथ दी हुई नहीं है, वेवलेंथ भी नहीं दी हुई, फ्रीक्वेंसी भी नहीं दी हुई, लिहाजा ये भी नहीं लगाएंगे हम। उसके बाद एक फार्मूला होता है जी वी इज इक्वल टू अंडर रूट टेंशन डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, ये भी एक फार्मूला था आपको बताया था। टेंशन होता है वो आपके जो स्प्रिंग पे फोर्स लग रही है, टेंशन जिसको आप कह लोगे कि टी इज इक्वल टू एम जी, ठीक है, टेंशन वेट के बराबर होता है, आपको पता है जी टेंशन वेट के बराबर होता है, और वेट जो है वो एम जी के नाम से निकला जाता है, एम जी के फॉर्मूले से। जबकि ये जो म्यू नॉट है इसको हम कहते हैं लीनियर डेंसिटी, ठीक है, लीनियर डेंसिटी, ये जो है ये कहलाता है लीनियर डेंसिटी। ये मैंने आपको बताया था, मुझे याद नहीं है मैंने आपको बताया था नहीं बताया था, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। लीनियर डेंसिटी से मुराद होता है स्प्रिंग में, अगर हम स्प्रिंग की बात कर रहे हैं और उसकी लीनियर डेंसिटी है, तो लीनियर डेंसिटी से मुराद होगा कि एक यूनिट लेंथ के अंदर उसका कितना मास है। यानी अगर आपने एक मीटर लंबाई ली हुई है, एक मीटर स्प्रिंग लिया हुआ है, उस एक मीटर का कितना वजन है, इसको आप कहते हो लीनियर डेंसिटी ऑफ द स्प्रिंग। अगर आपके पास ये एक मीटर है जी, ये एक मीटर स्प्रिंग है, तो इसका मास कितना है, ये कहलाएगी लीनियर डेंसिटी, ठीक है, इसको हम लीनियर डेंसिटी कहते हैं। और लीनियर डेंसिटी को मालूम करने का फॉर्मूला होता है जी स्प्रिंग, स्प्रिंग का जो मास होता है आप उसको डिवाइड कर दें लेंथ से, ठीक है, दोनों आपको दिया हुआ है, स्प्रिंग का मास भी आपको दिया हुआ है, स्प्रिंग की लेंथ भी आपको दी हुई है, तो आप लीनियर डेंसिटी निकाल लोगे, ठीक है जी, लीनियर डेंसिटी आप निकाल सकते हैं। और टेंशन जो है हमें पता है जी कि अगर आपके पास इस सिरे को देखें, इस वाले हिस्से को देखें, ये ठीक है, यहाँ वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, टेंशन ऊपर की तरफ एक्ट कर रही होगी, ये टेंशन ये वेट रुका हुआ है, दोनों बराबर होंगी, ठीक है, और वेट कैसे निकलते हो आप एम जी, एम ये वाला लगाएंगे हम, टेंशन जो है वो वेट के बराबर होगी इस सिचुएशन के अंदर, क्योंकि आपका वो जो मास लगा हुआ है स्प्रिंग के साथ वो रुका हुआ है, तो टेंशन इज इक्वल टू वेट, और वेट का फार्मूला होता है एम जी। अच्छा ये एम हम स्प्रिंग का नहीं, ये एम ये वाला लगाएंगे, ये वाला एम लगाएंगे, क्योंकि इसका वेट के बराबर होगा टेंशन, टेंशन जो है वो इस मास का ये जो वेट बना हुआ है इसके बराबर होगा, ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूले हो जाएंगे। पहले हम टेंशन निकाल लेंगे, फिर हम लीनियर डेंसिटी निकालेंगे, फिर हम ये वेलोसिटी निकाल लेंगे, लेकिन हमारे पास टाइम कम है, ठीक है, तो सबसे पहले आप लीनियर डेंसिटी निकालोगे। लीनियर डेंसिटी का फॉर्मूला होगा आपके पास मास ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, मास ऑफ स्ट्रिंग कितना है आपके पास, 0.004 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना है 2, दोनों को डिवाइड करोगे लीनियर डेंसिटी आपके पास आएगी 0.002, इसका यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर, ये आपके पास लीनियर डेंसिटी आ गई। अब आप टेंशन निकालेंगे, टेंशन मैंने आपको बताया वेट के बराबर होगी, और वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एम जी, और एम कैपिटल वाला यानी एक किलोग्राम वाला, ये वाला एम लेंगे हम, पॉइंटर काम ये वाला एम लेंगे, ठीक है, एम हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय जी होती है 9.8, टेंशन कितनी आ गई 9.8 न्यूटन, दोनों चीज़ें आ गई। अब आप वेलोसिटी निकाल सकते हो जी, वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा वी इज इक्वल टू अंडर रूट टी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। क्लास ड्रॉप होने वाली है, इंशाल्लाह इस न्यूमेरिकल को